आप देख रहे हैं गेट इट फ्रॉम द सन लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक शर्मा। तो वक्त हो चला इस वक्त की बड़ी खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं जिन्हें से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। बाड़मेर के समदड़ी कस्बा में कृषि कुएं पर विद्युत विभाग की लापरवाही से ढीले पड़े 33 केवी के विद्युत तारों में आमारा ऊंट की चपेट में आ जाने से विद्युत प्रवाह होकर आग का रूप धारण कर लिया एवं आसपास में खड़ी खेजड़िया एवं घास फूस में तेज हवा से जबरदस्त आग लग गई। जल्दी से चारों तरफ आग फैल गई। लॉकडाउन के कारण सब लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। वहीं तेज धुआं एवं आगजनी को देखकर आसपास के किसान दौड़कर कुआं पानी पाइपों से सरपंच पुत्र गोविंद माली, नरगिस माली, हनुमान चौधरी जैसा राम ग्रामीणों ने पानी एवं कस्बे में हो रहा सैनिटाइजर ट्रैक्टर द्वारा पानी छिड़क कर आग पर काबू पाया। कस्बे में बड़ा हादसा होते होते बचा। वहीं मारवाड़ वीरों ने और किसानों ने कई बार विद्युत विभाग वालों को इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए शैतान सिंह माली की रिपोर्ट। जा रही हो देखे ना, तो कोई वेरा है ना कोई ट्यूबवेल है। हिसाब से कई बड़ा बिजली गिर में किया गया, उन्होंने बहुत ही नुकसान है। तो कई बड़ा हम देख देखने जा रही है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो मैं हमारे पास ट्रैक्टर में खुद हूँ ना, तो कोई नहीं जो फुनवाई दे रही है। अब सुबह उठ भी आठ कोई रबा रही हॉर्न थी और हॉर्न आने में तार में अड़ौनी और आठ विस्फोट हुए नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो यो नहीं हो रहा, वो है बिजों किसान और ये तो जो खिचड़ी है बीजा अंदर के बीजा लोग हैं आया ना लोग आने वाले हिसाब हो जाते बीजों का बीजों तो कम से कम आटा पूरा एरिया नहीं लेते, बस मैं वाड़ों में बीजी हूँ हिसाब से कम कम 10 मिनट और होंगी बीजे। कोई बिजली वाला अभी 2 घंटा हुआ तो कोई उन्हें आवाज कोई सुनवाई नहीं करी है। खासकरों ने बहुत ही भयंकर नुकसान भी हो, वोल्टेज कम आ रही है, कम बढ़ रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। निशा है बिल्कुल निशा है, ठेठ तो निशा है, ठेका में वेगी है, ठेकेदार करेंगे, हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो मैं खुद भी निकास कर के रही हूँ। आप आए निपाट ऊपर साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव के साथ। नमस्कार।